हाय नंदिनी, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। लेट्स वेट फॉर सम यस टाइम। यस यस श्योर। यस, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर फर्स्ट लाइफ। मी टू। इट्स माइन ऑल्सो फर्स्टली, सो थैंक्स टू यू। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल अवर फॉलोवर्स दैट व्हाट इज ऑल दिस अबाउट एंड व्हाई दिस इज अवर फर्स्ट लाइव एंड व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दिस। तो जैसे कि मॉम एक्सपर्ट्स जो है वो मदर्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, दोज आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड न्यू मदर्स, टॉडलर मदर्स, इन सबको वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन देयर पेरेंटिंग जर्नी। सो वी ऑल हैव लॉट ऑफ टॉडलर मॉम्स हु कीप आस्किंग अस कि स्पेशली लॉकडाउन में और जनरली भी बच्चों को कैसे घर पे एंगेज करें, कैसे बिजी रखे, कैसे उनको यू नो एक्टिवली और पॉजिटिवली एंगेज रखे अदर देन द स्क्रीन एंड ऑल दैट। और मैं खुद इस फेज से जा चुकी हूँ कि जब मैं बहुत परेशान हो गई थी, आई वॉज प्रेइंग फॉर कोरोना टू एंड जस्ट सो दैट द स्कूल स्टार्ट, एंड आई थिंक लॉट ऑफ अस विल आई मीन अग्री विद दिस इमोशन। तो आई वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर सम राइट थिंग टू टेल अवर मदर्स। तो बहुत सी चीजें होती है जो हम घर में ऑलरेडी करते रहते हैं, अपने पेरेंट्स भी रहते हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली सेटअप है तो ऑलरेडी किड्स आर वेरी बिजी, पर उसके अलावा क्या है जो हम बच्चों को यू नो ऑन अ डे टू डे बेसिस हाउ कैन वी एक्टिवली एंगेज देम इज अ ह्यूज चैलेंज। एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस द क्राफ्टसी मॉम। सो आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ व्हाइल, बट समथिंग अबाउट योर अप्रोच इज यू नो रेजोनेट्स विद माई बिलीफ एंड द वे आई ऑल्सो थिंक, और जिसपे हम लोग ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे ही जैसे हमारा ये सेशन आगे बढ़ता है। तो वो एक थॉट प्रोसेस था कि जिस तरह से आप वियाना से डे टू डे एक्टिविटीज करवाते हो या जो भी कुछ आप करते हो, सो दैट वाज समथिंग फेल्ट राइट अबाउट इट। तो मैंने कहा क्यों ना हमारी जो मदर्स है वो भी इससे बेनिफिट करें, एंड दैट्स हाउ आई सेड दैट यू नो लेट्स डू अ सेशन एंड लेट्स टॉक टू अवर मदर्स अबाउट द क्राफ्टसी मॉम एंड हर जर्नी विथ बेबी वी। सो नंदिनी ऑफिशियली एंड फॉर्मली वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ मॉम थैंक यू एक्सपर्ट्स। सो मच। तो लेट्स गेट टू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले तो दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट चाइल्ड और सबके लिए एक नया जर्नी रहता है, तो हाउ हाउ डू यू गेट ऑल दीज ब्रेन वेव्स की याना से क्या करवाना है, कैसे करवाना है, घर के घर में जो आप करवाती हो एक्टिविटीज, और द यूनिक थिंग अबाउट व्हाट यू डू इज कि घर की चीजों से या डे टू डे चीजों में उसको एक्टिवली एंगेज करती हो, तो हाउ डू यू कम अप विद दीज आइडियाज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। एवरी मॉम इज वंडरफुल इन हर ओन वे। सो मदरहुड में मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग कितना भी प्रेगनेंसी के टाइम पढ़ाई कर ले, बुक्स पढ़े, किसी से भी कुछ भी देखे, अल्टीमेटली जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो हर किसी का अलग है। सही बात है। तो द थिंग इज कि मैंने हमेशा ये सोचा कि क्या इस मेरा और याना का क्या सेट हो रहा है। तो बहुत सी चीजें हमें प्रेगनेंसी से भी कैरी फॉरवर्ड होती है, वो मैं एक आगे के सेशन में अपन बात करेंगे। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि सारी चीजें जो भी है आजकल, मैं भी मॉन्टेसरी तरीके से वियाना को ये करा रही हूँ, सिखा रही हूँ घर में। 100% नहीं फॉलो होता है, डेफिनेटली मैंने मॉन्टेसरी वे की सारी बुक्स पढ़ी है एंड व्हेन एज रिक्वायर्ड मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। बट नॉट नेसेसरी, उसमें भी ऐसा है कि वो कभी भी बोलेंगे नहीं तुमको कि तुम हर चीज खरीदो। बट इतना कॉम्प्रेंस हो चुका है कि इवन हैमर वाला भी एक टॉय आता है बच्चों का, वो भी लोग खरीदते हैं, इट्स अ वुडन टॉय। तो देर इज नो नीड टू बाय एवरी ईच एंड एवरी थिंग। हर चीज घर में है। हाँ, डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो यू शुड बाय एंड इट्स फन, देर उन लोगों को भी चेंज होता है, थोड़ा कलरफुल होता है। तो मैं एकदम थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक लिविंग पे भी बिलीव करती हूँ, तो करेक्ट। वो भी मैं पियाना को इन एंड आउट धीरे धीरे करके सिखा रही हूँ। तो मैं जो भी सुबह से उठते हैं, हम लोग जितने में काम करते हैं वो सारे काम करती है मेरे साथ। वाओ, तो और मेरा मैं एक्सेलेंट। ऐसे भी सोचती हूँ कि इसको मैंने मंथली वाइज भी गई कि जैसे कभी कभी शुरुआत में एकदम छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मेसी प्ले पसंद है, उनको टेक्सचर दिखाया, उनको स्मेल दिखाई। फिर मैंने क्या किया था वियाना के लिए कि पांच चीजें व्हाइट कलर की ही रखी, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, रवा हो गया, साबुदाना हो गया। एंड आई लेट हर प्ले कि जितना फैलाना है फैला, जो करना है कर, एंड ओके। मुंह में भी डाल दिया तो सारा सेफ भी था, फिर उसको उससे टेस्ट भी पता चला। एंड ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली कि मैंने आज किया तो बच्चा बैठेगा ही और उसको हाँ एक टाइम एक्टिविटी में सब कुछ आ जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं यार ये बैठती नहीं है, तो डोंट ड्रैग देम कि यार मेरे साथ बैठो, यू प्ले, यू कीप ऑन डूइंग एंड लेट देम प्ले।
तो 5 मिनट बाद घूम के आएगी, अच्छा मम्मी ये कर रही है, फिर चली जाएगी। तो मैं उसको बुलाती नहीं हूँ कि आ ये करते ये करते, बैठ बैठ बैठ, नहीं। तो फिर ना वो और दूर दूर जाते कि यार क्या ये कराती रहती है, हाँ तो मैं उसको बुलाई नहीं। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट रहा। तो अभी अगर कभी दिन में बोर होते हैं तो फिर वो बोलती है मुझे कि मम्मा चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं, वो उसका स्टेटमेंट सुनने मुझे बहुत खुशी होती है। तो तो वो ये ना खुद उसको आदत हुई। हाँ, हाँ एंड मेरा ये था कि मुझे स्क्रीन टाइम पहले तक नहीं था, फिर लॉकडाउन में काम भी बहुत बड़ा तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ा। तो हम लोगों ने उसका भी एक शेड्यूल सेट कर दिया कि नहाने के बाद, दूध पीने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद उसको स्क्रीन टाइम मिलेगा, वो भी टीवी पे, मोबाइल पे नहीं। एंड तब तक मैं अपने थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ, एंड देन आफ्टरनून का टाइम हमारा कुछ ना कुछ नया करने का होता है कि आज ये करेंगे आज वो करेंगे। एंड मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग कुछ एक्टिविटी करना चाहते हो तो उसको ना एक दिन पहले प्रायरली अरेंज करो। मतलब अगर आज उससे मुझे पेंटिंग कराना है या कुछ भी पत्ते चिपकाने, फॉर एग्जाम्पल किसी भी लेटर पे या बटरफ्लाई पे, तो अगर मैं उसके सामने ड्रॉइंग करने बैठती हूँ ना तो वो भी ड्रॉइंग पे लगेगी, देन वो उसको चिपकाने का मन नहीं करता है। जो मम्मा करता है वही करना होता है, उस चक्कर में भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर बहुत से मदद को फ्रस्ट्रेशन आता है, यार मैंने इतना प्लान किया और ये हाँ लोग करते ही नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं क्या करती हूँ, वो सोने के बाद रात में मैं सारा जमा करके रखती हूँ कि आज मुझे इससे कल क्या क्या कराना है। तो मैं सारे पेपर्स हाँ फाइल्स लगा के उसके रैक में रख देती हूँ, फिर एक एक करके निकालती हूँ, तो एवरीथिंग इज रेडी। फिर मैं उसको दिखाती हूँ कि आज हमें ये करना है, तो वो अपने आप बैठ के करती है। फिर कपड़े सुखाना है, तो कपड़े सुखाने की हमारी तार बहुत दूर थी, तो मैं उसको एक नाड़ा बांध के देती थी, वो उस पर अपने सॉक्स डालती थी। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट हमें हर बार उनको ये नहीं बोलना है कि यार ये होगा नहीं, तुमसे मत करो, नहीं तुम छोटे हो। डोंट से दैट, ऑलवेज टॉक अफर्मेशन दैट आई फॉलो रिगरसली, कि नहीं मैं उसको बोलती ही नहीं कि तुझसे होगा नहीं। तो मैं उसको छोटा स्टूल ला के देती हूँ, वो चढ़ती है, वो मेरे साथ सैंडविच बनाती है, मेरे साथ खाना बनाती है, सब्जी चलानी होती है, तो आई टेल हर कि इट्स हॉट, तो मुझे बोले कि मम्मा ध्यान देके करना। तो अब उसको वो आ गया कि ये फायर है, यहाँ नहीं आना है। जितना हम उनको मना करते उतनी क्यूरियसिटी बढ़ती है, एंड देन दे एंड अप इन मेसअप, यार कुछ तो भी कर दिया, और फिर फ्रस्ट्रेशन भी उनका भी बढ़ता है। तो मैं तो मतलब एक्टिविटी रिलेटेड मुझे बहुत आते हैं कि कुछ कुछ कराती रहती है, क्या करे क्या करे। तो डोंट गो, ये एक्टिविटी वाला बहुत कंसेप्ट अचानक से आया, तो नॉट नेसेसरी कि तू कर रही है या मैं कर रही हूँ तो मैंने करना ही है। कपड़े सुखाना इज ऑल्सो हाँ, इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी। तो उनको रोजमर्रा की जो अपनी चीजें होती है उसमें उनको इन्वॉल्व करिए, लेट देम फील एम्पावर्ड कि आप कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अग्री। एंड अफर्मेटिव स्पीकिंग जो है दैट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई नहीं आप भी कर सकते हो, क्यों ना। एंड यू कैन लाइक इवन आई कैन यू नो रिलेट टू अ फ्यू थिंग्स दैट यू सेड। कि जैसे मैं भी अभी अनन्या को ऐसा रहता है कि उसे रोटी बनाने का बहुत शौक होता है क्योंकि उसको देखते हैं किचन में, तो उसको भी हम थोड़ा सा आटा दे देते हैं, तो यू नो वी लेट हर डू इट। और फिर उसकी बनाई हुई रोटी हम एग्जैक्टली बाकायदा पकाते भी है और उसे खाते भी है, आते क्योंकि हैं वो ऐसा उसे ना फील हो कि यू नो यू हैव टू मेक देम फील इम्पोर्टेंट, एंड दैट दे आर, इस टाइम पे इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं व्हेन दे आर ग्रोइंग। बहुत उनको ज्यादा लगता है कि हमको सब करना है पर कर नहीं पा रहे हैं, फिर बच्चे चिड़चिड़ापन भी आ जाता है उनमें। तो जैसा कि आई थिंक नंदिनी एक बात और तुझे, सारी चीजें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं वो। हाँ एंड जो एक हाँ मैंने किया, जो एक्सप्लिशमेंट वाला एकदम वो फील होता है हाँ ना, वो बहुत हाँ बड़ा होता है। अपने को कितना लगता है कि यार मैंने ये हाँ किया, ये तो वो किया छोटे बच्चों को भी इक्वल फीलिंग्स इक्वल है। हम लोग सोचते हैं यार ये नहीं छोटे हैं, यार ऐसा नहीं है, उनको हम है, लोगों से ज्यादा है, बस वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे, और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी तुम्हारी एक्टिविटीज और सब जो मैं तुम्हारे पोस्ट देखती हूँ, वो यही था कि डे टू डे चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करना इटसेल्फ इज एन एक्टिविटी। तो कपड़े सुखाना हो गया, या तुम अगर कुछ कर रहे हो कोई भी ऐसी चीज जो कि सेफ है जिसमें आप बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे साफ सफाई, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह है, उसमें यू कैन इन्वॉल्व देम एक्टिवली, और उनको भी उनके टाइम भी टॉयज कटेगा। दिलाना, टॉयज हाँ दिलवाना, वेरी नाइस। हाँ, इनफैक्ट क्लीनिंग अप वो, आफ्टर द वॉट एवर एक्टिविटीज, हाँ दैट ऑल्सो यू आर वेरी तो पर्टिकुलर, आई वो हैव हम सीन। ये तो मैंने उसको एक कुछ भी करने से पहले मैं उसको एक नैपकिन देती हूँ। अगर पेंटिंग वाला है तो गंदा हुआ तो अपने आप जाके उसको बताया कि ये आपका है, यही यूज करना है, तो वो जाके पूरा क्लीन करती है। उसको वो आदत हो गई है कि नहीं हर चीज डस्टबिन में डालना है, मेरा उठा के क्लीन करना है। एंड ये ना तुम्हें करते, तुमको भी करना पड़ेगा साथ में। हाँ ऐसा नहीं होगा तुम बोलो चार बार अरे सुनता ही नहीं है। ये बहुत से मदर्स का होता है यार सुनती ही नहीं है। एंड बहुत सारे मेरा एक ये भी एक पॉइंट बहुत सारे मदर्स को बताने, मेरे फ्रेंड्स में मैंने बहुत लोगों को ये बोला कि तुम लोग ना बकेट्स में या बास्केट्स में बहुत सारे टॉयज मत दो। हाँ जरूरी नहीं है कि वो मॉन्टेसरी वाली शेल्फी होनी चाहिए, जो है तुम्हारे बच्चे के रीचेबल होना चाहिए। हर हाँ 4 दिन के, हर हफ्ते के अलग अलग, तो वो 4 ही टॉयज देखता है या 4 ही बुक्स देखता है। अगर ओके बहुत सारी तो एकदम ओवरवेलम फीलिंग आ जाती है, सब कुछ देखते हैं और वो किसी में हाँ भी
पुरानी टाइम स्पेंड करते हैं. तो जैसे मैंने चार चीजें रखी, वो आज एक उठाएगी फिर उसको रख देगी, फिर चारों ही सफल होती रहती है. तो एक हफ्ते में ना उनका उनमें इंटरेस्ट भी बनता है, अच्छा इससे ऐसा होता है, ये ऐसे करना है. तो अगेन मैंने हर चीज का अलग अलग बास्केट बनाया है कि अगर तुम्हें दूसरा गेम खेलना है तो ये उठा के रखो, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा करना ही है, नहीं माने मत करो, बट इसको उठा के रखो तभी दूसरा लो. तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि तुम्हें बोलते रहना है. और ऐसा भी नहीं है कि अभी जैसे मैं बाहर हूँ तो ये आदत छूट भी जाती है बच्चों की, चार बच्चों में जाते हैं तो अपना अलग ही उनका सेट हो जाता है. हाँ. बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन सेइंग. बट अभी हाँ, मेरा एक ये भी पॉइंट है, मैंने ये किसी बुक में पढ़ा था, तो हम रियलाइज नहीं करते. मैं अगर उसको बोलती हूँ कि चिपकाना है, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, हम पीछे से ना बहुत अननोइंगली इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को, डोंट डू हाँ दैट, ओके लेट देम डू. हम जहां चाहते हैं वो चिपकाए वहां नहीं चिपकाएगा, एक बार नहीं चिपकाएगा, दूसरी बार तुम चिपकाते रहो साइड में. बट जब हम बोलते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, पीछे से आवाज भी आ रही है, मैं उसको सुनूं, मैं मेरा कॉन्सेंट्रेशन करूँ, या मैं ओके अपना दिमाग लगाऊ, क्या करूँ. फिर ना वो हाँ हम लोगों को लगता है यार कुछ नहीं हो रहा, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ भी देते हैं. तो करेक्ट. ये मैंने ना अपने में बहुत चेंज लाया, पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर धीरे धीरे करके अपने को भी हर एवरी डे इज न्यू डे ऐसा है. यस, एवरी डे इज अ लर्निंग विद देम. और शायद ये चेंज मुझे भी लाना बहुत जरूरी है, सो आई एम हो गोइंग टू जाता है, ट्राई हम एंड लोग डू बोलते दिस. हैं हाँ क्योंकि हाँ, इतना नेचुरल है कि हम हर चीज में उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं. इनफैक्ट खाना खाने के भी टाइम, ऐसे खाओ, जल्दी खाओ, गिराओ मत, आई मीन इतना नॉर्मल है. तो आई थिंक द थिंग टू डू इज कि आप उनके साथ करिए वो चीज, वो आपको देखकर सीखेंगे, एक बार में, दो बार में नहीं, शायद चार बार या 10 बार में सीखेंगे, पर सीखेंगे. तो हाँ पेशेंस तो सीखेंगे बच्चों के साथ बहुत जरूरी है, दिस इज गोज विदाउट बहुत. सेइंग. इतना कि जैसे ही आई थिंक मुझे भी बच्चा नहीं कुछ था. नहीं, आई थिंक बच्चा कुछ और सिखाए ना सिखाए, पेशेंस आपको जरूर सिखा देता है. तो और बीइंग शुरुआत में पेशेंट बहुत से होता है कि यार जल्दी जल्दी खिलाने के लिए ना मैं खिला हाँ देती हूँ इसको, बहुत गिराता है, हाँ डोंट डू दैट. दो चार नैपकिन रखो, पोछते रहो उसको, धीरे धीरे पता लग जाता है कि यार गिर रहा है, मतलब पोछना है, क्लीन रखना हाँ है. अब यह ना अपने आप फोक और उससे खाती है, बड़े फोक से भी खाती है. इट्स नॉट ठीक, बहुत अचीवमेंट है, बट विथ टाइम आ गया आई उसको. नो तो आई नेवर एग्जैक्टली सेड कि यार मत कर, लगेगा मत कर लगेगा, ये बार 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 बोलने से ना फिर बच्चा ट्राई नहीं करता है. बोलती हाँ ओके ट्राई कर लो, अगर नहीं हुआ तो आई हेल्प यू. तो अब वो मुझे वो कहती है मम्मा ट्राई तो करके देख लो, अब मुझे हाँ उल्टा बोले. वाह एक्सीलेंट. एक और चीज मुझे बार बार ऐसे फील होती है कि एंड आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि क्या ऐसा है कि लड़कियों के साथ ये सारी चीजें करना, जैसे एक्टिविटीज हो गया या कोई सिखाना, इज इट इजियर विद गर्ल्स देन विद बॉयज? व्हाट डू यू थिंक अबाउट देखो इट? मुझे मुझे तो लड़की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियां भी ऐसी देखी है जो बिल्कुल नहीं बैठती है जगह पे, उनको नहीं होता है इंटरेस्ट, मतलब जो मम्मा कराना चाह रही है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, फल इधर उधर भागना है, ये करना है वो करना है, ये है. तो आई फील कि रादर देन चेकिंग ऑन जेंडर, इट्स नॉट अबाउट जेंडर स्पेसिफिक, इट्स पर्सनैलिटी. एंड मैं यही बोलती हूँ, बहुत से लोगों के बच्चे अगर नहीं बैठते कोई बात नहीं, वो भागती है ना भागते भागते उसके साथ, अरे यहाँ से वहां भागेंगे हम 10 तक काउंट करेंगे, ऐसे नंबर्स हो जाएंगे, स्टेप्स, मतलब वो हाँ जिसको, हाँ जरूरी नहीं है कि वो एक जगह बैठी, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, नहीं वो रहेगा नहीं बैठ रहा है कोई बात नहीं, तो तुम भागते दौड़ते चलते, जो उससे जिसको जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है ना उसको उसमें चेंज करो, कि तुम्हें उससे क्या करेक्ट सिखाना है. तो ट्राई करेक्ट टू वर्क ऑन दैट, कि करेक्ट ये मत सोचो कि उसका बच्चा बैठता है तो मेरा बच्चा भी बैठना है, मेरा बच्चा नहीं बैठता है बट मैं उसको ये सिखाऊंगी, बट अपने तरीके से. एक सबका तरीका अलग है, अलग मेरा है, तरीका तुम्हारे लिए काम आएगा, तुम्हारा मेरे लिए काम आएगा, बिल्कुल नहीं. बट ये जरूरी है कि नहीं. उसका, हाँ कि हमें हाँ करना क्या है और अपने हिसाब से करना हाँ तो आई थिंक मछली को उड़ना सिखाना जरूरी नहीं है, उसको तैरने देना है, और चिड़िया को उड़ने देना है, और उनको अपने तरीके से सिखाना है. एंड जरूरी सबसे है. इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमको बच्चों में देखना है ना वो हमें अपने आप में करना पड़ेगा. इतना ज्यादा कॉपी करते हैं ये बच्चे, हाँ तो अगर तुम्हें कुछ उसमें चेंजेस लाने हैं बच्चे में तो फिर यू हैव टू वर्क ऑन दैट. कि मैं ही वो राइट कर रही हूँ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि मम्मा ऐसा हाँ करती है एवरी सिंगल चीज, वो मम्मा पापा की कॉपी करते हैं बच्चे, उनके लिए हम ही है हाँ सब कुछ. जी हाँ तो अगर बार हम फ्रस्ट्रेशन बार में भी चिल्लाते हैं ना तो वो वहां से हाँ पिकअप करते हैं हर चीज में पिकअप करते हैं. चिल्लाना, हाँ एब्सोल्युटली ये तो तो वो बहुत है फर्क कि पड़ता एक्शन से ज्यादा सीखेंगे, आपकी बातों से उतना नहीं सीखेंगे पर एक्शन से जरूर है. हाँ सीखेंगे. कंप्लीटली अग्री. दूसरा एक और चीज ये सोचती हूँ मैं कि क्या ऐसा होता है कि जो वर्किंग मॉम्स है वर्सेस स्टे एट होम मॉम्स, तो वर्किंग मॉम्स के लिए क्या ज्यादा चैलेंजिंग होगा बच्चों से डे टू डे चीजें करवाना, एंड हाउ कैन दे डील विद इट? दोनों में चैलेंजेस इक्वल है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड एवरी टाइम. मैं जॉब छोड़ के अभी, बट मुझे कहीं ना कहीं पहले से था कि मुझे बच्चों को पूरा टाइम देना है, तो इट वॉज माई पर्सनल चॉइस, मुझे जॉब छोड़ना है और 100% घर पे रहना है.
तो दोनों बहुत टफ है, बट अगर मैं सोचूंगी कि यार अगर वर्किंग मॉम्स को क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत जगल करके करते हैं। तो पहली हाँ बात तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो मन में गिल्ट मत रखो कि मैं जॉब कर रही हूँ, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। एंड इंस्टाग्राम और इस पे देख के ना ज्यादा लगता भी है कि यार ये लोग इतना कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं कर पाती। हाँ एंड कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं खुद का सेम होना भी बहुत जरूरी है कि मैं काम कर रही हूँ तो वो अपने खुशी के लिए करो, तुम खुश नहीं होगे तो वो बच्चों पे असर होता है उसका। हाँ तो तुम्हें अंदर से खुश होना बहुत जरूरी है, और अगर तुम्हें जॉब से खुशी मिलती है तो नथिंग रॉन्ग। एंड यू शुड नॉट कंसिडर कि कौन मुझे क्या जज करेगा, मैं बच्चों के लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको करना है तो यू कैन डू, कि अगर घर पे कोई हेल्प है या इन लॉज है तो तुम, जैसे मैंने बोला कि एक दिन पहले तुम प्लान कर लो एंड लगा के रख जाओ कि अरे मैं जाऊंगी तो उसको ये चीजें करानी है, तो जो भी तुम्हारे पीछे से उसको देखता है बच्चे, तो उनको बता के जाओ कि ये कर सकते हैं। फिर रात में आके तुम उन बच्चों से बात करो क्या किया, वीकेंड उनको डेडिकेटेड रखो। रात में आने के बाद अगर खाना बनाते हो तो खाने में इन्वॉल्व करो। ऐसा होता है कई बार कि बाहर से भी काम करके थक के आता है इंसान तो नहीं दे पाते हैं, बट ये बहुत क्रिटिकल फेज है उनका। अगर अभी हम लोग सोचेंगे कि नहीं यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं दे पा रही उसको टाइम, अभी तू सो जा यार, यार तू बुक पढ़ ले जो भी कर ले, मेरे पास नहीं है टाइम, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। आई हाँ नो कि मदर्स पे भी ये बहुत टफ टाइम रहता है यार कैसे करे, बट एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं, हम इमोशंस दिखा सकते हैं, वो नहीं दिखा सकते। तो ये जो कनेक्ट होगा ये अभी होगा एंड ये लाइफ टाइम रहेगा। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि जितना भी टाइम मिलता है स्पेंड विद देम, टॉक विद देम, तो आई दोनों ही एग्री, टफ है। आई कंप्लीटली अग्री। इनफैक्ट घर पे ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे रहने वालों की जो एफर्ट्स है वो डिसमिस हो जाते हैं कि तुम तो पूरा दिन घर पे हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द हाउस। और जैसा तुम कह रही हो कि एटलीस्ट जो अगर अपनी खुशी से मैं कुछ काम कर रही हूँ तो आई गेट दैट एस्केप कि मुझे कुछ चेंज भी मिल रहा है। यहाँ ऐसा है कि तुम घर में हो पूरा टाइम तो वो भी बिल्कुल काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो वेदर यू आर वर्किंग मॉम और स्टे एट होम मॉम, आई थिंक द चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर। टोटली बट आई अग्री कि जो तुमने कहा कि पहले तो बात प्लानिंग करना जरूरी है, दूसरा तुम हेल्प लेना जरूरी है जो भी घर पे है उसकी, और तीसरा थोड़ा सा पेशेंटली कामली जितना टाइम मिल रहा है उसमें ये मत सोचो कि भाई मैं गिल्ट में हूँ या मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम और इंटरनेट इज फ्लडेड विद पीपल, व्हाट दे आर डूइंग विद द किड्स, एंड एग्जैक्टली। इट गिव्स अ वेरी रोजी पिक्चर, एंड बट मुझे ऐसा भी कभी जरूरी कभी ऐसा नहीं फील है। आता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है मदरहुड हाँ का वर्ल्ड भी, हाँ पता है, हाँ जो कि मंथली जरूरी नहीं है बर्थडे बिल्कुल सेलिब्रेट भी। करो, मंथली बर्थडेज उसमें ये, आई मीन इफ यू वॉन्ट टू डू इट यू कैन डू इट, बट अगर नहीं करना है आपको, या यू कैन डू समथिंग एल्स विद योर चाइल्ड, जरूरी नहीं है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो आपको करना है, वो आपके लिए सही हो। एग्जैक्टली और एक और चीज इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि थोड़ा बहुत बच्चों को अकेले इंडिपेंडेंटली रहने देना या उनको बोर होने देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ अगर पूरे टाइम आप उसको एंगेज कर रहे हो, तो जब मैं घर पे थी 1 साल मेरे बेटी के समय, तो आई यूज टू बी वेरी वेरी ओवर इन्वॉल्व विद हर एक्चुअली। एंड वॉट हैपेंड वॉज दैट यू नो दे डोंट गेट टाइम टू बी इंडिपेंडेंट और थिंक इंडिपेंडेंटली, बट जब आप उनको थोड़ा सा, वेन यू स्टेप बैक एंड यू गिव देम द चांस कि भाई नहीं अच्छा आज तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, देर इज नथिंग, आई डोंट हैव एनी एजेंडा, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, लेट देम टेक द लीड, सो दैट वे देयर क्रिएटिविटी डेवलप्स। एंड इनफैक्ट इवन वेन यू डोंट से एनीथिंग, इफ द चाइल्ड इज गेटिंग बोर्ड दे विल देमसेल्व्स कम अप विद सच ब्रिलियंट आइडियाज कि आपको भी आश्चर्य होगा कि अरे वाह इसका दिमाग ऐसा चलता है। सो आई थिंक वेदर यू आर वर्किंग मॉम और स्टे एट होम मॉम, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आप बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग, एंड एग्जैक्टली यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड, जैसा उसको और आपको दोनों को सूट होता है वैसे यू कैन प्लान एंड इसमें मैं ये एवरीथिंग। भी ऐड करना चाहूंगी कि बच्चों के सामने कभी ये मत बोलो कि बोर हो रही हो, थक गए हो या गुस्सा आ रहा है। इन छोटे बच्चों को गुस्सा आ रहा है ये कहाँ से पता लगता है? क्योंकि हम बोलते हैं, उनको नहीं पता है कि ये गुस्सा है। एंड देन हर चीज में मम्मा मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं बोर हो रही हूँ। इस ओके बोर होना हमारे बचपन में बोर होना पता ही नहीं था यार। okay. नहीं था, आई एग्री, हाँ, 3 साल फिर के बच्चे बोर होना इज बियॉन्ड मी मतलब इतने टॉयज एंड होने के बाद भी कभी कभी सामने मिलता है कि हाँ मैं बोर हो रही हूँ, तो हम लोग बोलते हैं उसको कि बोर हम तो नहीं होते, बोर क्या होता है, नहीं होता है। हाँ एंड गुस्सा हमें किसी को नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आ सकता, किसी ने कभी बोल दिया होगा तो वो तो एकदम से पकड़ लेते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आ गया। हाँ तो हमें हाँ ना ये बहुत ध्यान दे के अपने में चेंजेस लाने जरूरी है कि हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं घर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लाइफ में, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है और वो कैरेक्टर में करेक्ट आता है। एंड ये मैंने करेक्ट अपने खुद से भी सीखा कि कितनी चीजें मेरी बचपन की मैंने अपने आप में चेंज लाया, बट बहुत लेट हुआ उस चीज का। ठीक है, समझ आई, चेंज हुआ, बट एटलीस्ट हम लोगों को अगर पहले से पता है तो हम लोग अपने बच्चों को वो स्ट्रगल ना दे।
सही बात है, आई कंप्लीटली अग्री। इतना हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आज, उसको पॉजिटिवली यूज करें, जितना एक्सपोजर है उससे, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय इट, बट हाँ उसको पॉजिटिवली यूज करना जरूरी है। दूसरा एक मैंने ये देखा है कि एक हैबिट फॉर्मिंग जो है और एक कनेक्शन टू द रूट्स जो भी इज वन मोर थिंग दैट इज वेरी यूनिक एंड वेरी इंप्रेसिव अबाउट यू, कि हर चीज में यू नो स्टेइंग ट्रू टू द रूट्स, की भाई जो हर चीज सेलिब्रेट करना चाहिए, तो महाराष्ट्रियन और गुजराती या नॉर्थ इंडियन कल्चर प्लस यू नो फॉर्मिंग अ हैबिट अराउंड इट, तो ये सब कैसे मैनेज कर लेती हो? पहली बात तो मुझे बहुत ज्यादा है कि अपना ट्रेडिशन है, ये करो वो करो, एंड मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यार बच्चे हैं तो इनको छोड़ दो ना। मैंने बहुत से लोगों से मैं सुनती हूँ कि यार बच्चों को हमने नहीं सिखाया, क्यों नहीं सिखाया, कौन आगे लेके जाएगा उस चीज। एंड अभी मैं जैसे महाराष्ट्रियन हूँ और मैरिड टू यूपी गए, तो दोनों साइड है, तो अगर मेरे यहाँ इन लॉज बहुत चिल है तो मैं दोनों फेस्टिवल्स करती हूँ, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि पुलकित को हर चीज पता हो कि मैं ये क्यों करती हूँ। मतलब जस्ट मम्मी करती है इसलिए मैं नहीं करती हूँ, मैं हर चीज का रीजन, मुझे भी कई चीजें नहीं पता थी, मैंने उसके लिए पढ़ी कि हम लोग ये फेस्टिवल है ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, एक पर्टिकुलर चीज ही क्यों बनाते हैं, सबके रीजन है। और ऐसा ही नहीं है कि हमारे ट्रेडिशन में कि यार मनाया इसलिए बना लिया, नहीं, हर चीज का रीजन है कि हम संक्रांति में तिलगुड़ ही क्यों बनाते हैं, उसका भी रीजन है। तो मैं उसको बताती रही, फिर जैसे वियना हुई तो मैं भी, मुझे पता है उसको कुछ चीजें नहीं समझ में आने वाली, बट आई कीप ऑन टेलिंग हर और रादर देन डूइंग। तो अब उसको पता है कि सुबह उठ के नहा धो के हमें दिया जलाना है, तो मैंने उसको बैठ के कुछ भी मंत्र वंत्र कुछ नहीं सिखाया, मैं बोलती रही, उसको सारे याद हो गए। हाँ, तो कीप ऑन रिपीटिंग, नहाते टाइम हम लोग प्राइम्स नहीं बोलते, हम लोग स्तोत्र बोलते हैं, एंड ट्राई टू टीच देम ना संस्कृत, एटलीस्ट संस्कृत श्लोकास, स्टार्ट विथ 4 लाइन श्लोकास, तो इससे अपनी वाचा भी क्लियर होती है एंड प्रोनाउंसिएशन हिंदी हो इंग्लिश हो मराठी हो बेस संस्कृत का बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो जीभ भी हल्की होती है, ऐसा हमारे मराठियों में बोलते हैं, हाँ, कि जीभ हाँ, हल्की होती है जितना तुम बोलते हो। तो मैं उसको हिंदी भी सिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाती, बट मैं संस्कृत के श्लोक उसको ज्यादा रिसाइट कराती हूँ ताकि उसकी वाचा क्लियर हो, और वो एकदम से सीखेंगे नहीं, डोंट सिट विद देम, केयर करना है वो। अगर कितने बार होता है कि मैं दिया जलाती हूँ वो चली भी जाती, बट मैं बोलती रहती हूँ। फिर अभी गणपति बैठा है तो गणपति में उसको सारी आरती याद हो गई, नवरात्रि में उसको वो हिंदी वाली नवरात्रि की आरती याद हो गई, तो वो लोग वहां से पिकअप करते हैं। बट मेरा रूटीन है, उसको पता है कि इसके बाद ये करना है हमें, मैं ध्यान भी नहीं दूंगी तो भी मम्मा तो बोलती रहेगी। एंड बहुत मैं, मतलब मेरा पर्सनल टेक है कि मैंने बहुत उसका स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं रखा कि यार इतने बजे खाना ही है, इतने बजे ब्रेकफास्ट होना ही है, शेड्यूल टू शेड्यूल चलना, इतने बजे सोना ही है, ऐसा मेरा नहीं रहा। अगर आपका बच्चा करता है तो फिर वेल एंड गुड है, मेरा इसके साथ थोड़ा स्ट्रगल रहा शेड्यूल सेट करने में, नींद बहुत कम है इसकी, तो मैंने जबरदस्ती नहीं करी कि सोना ही है, ठीक है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, नहीं सोना है तो हम लोग कुछ और काम करते हैं। तो जैसा बेबी के हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से ट्यून करो, नॉट नेसेसरी कि यार उसका बच्चा दिन में 3 नैप लेता है, इतनी नैप लेता है, इतने बजे सोता है, ये भी एक कहीं ना प्रेशर बिल्टअप रहता है मदर्स के ऊपर कि ये खाता नहीं है। मैं वियाना को फोर्स फीडिंग नहीं करती हूँ, वो अपने आप खाती है, कभी एक रोटी खाती कभी दो रोटी खाती, जितना वो खुद से बोलती है मेरा पेट भर गया, मैं नहीं बोलती कि यार मेरे हिसाब से कम लगता है, तो मैं नहीं बोलती कि यार कम खाया तू खा ले। हाँ, तो डोंट डू दैट, उससे ना उनका भी मन उब जाता है कि यार क्या मम्मी बार बार पीछे पीछे पड़ी रहती है, खा ले खा ले खा ले। एब्सोल्युटली, तो ये तो आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है, उनके फेजेस रहते हैं, 1 साल तक के बच्चा बहुत अच्छे से खा रहा है, फिर सडनली एपेटाइट ड्रॉप हो गया है, तो क्या हो रहा है, बच्चा नहीं खा रहा है, वापस आ जाता है अपने आप। एग्जैक्टली, पर वो एक हफ्ते में हम इतने इंपेशेंट हो जाते हैं, और कई बार ये सुन सुन कर भी कि बच्चा अरे ये तो खाया नहीं आज, इसने कुछ खाया ही नहीं, तो फिर वी गेट सो इंपेशेंट एंड सो स्ट्रेस्ड आउट कि भाई तू फोन ले ले या तू कुछ भी कर ले, जबरदस्ती खा ले, लेकिन खा ले, तो हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए उसका पेट नहीं भरना है। और एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो अभी तुमने कही कि अपना रूटीन फॉलो करना जरूरी है, उसके लिए हर चीज, बच्चे के लिए हर चीज नहीं करनी है, उसको दिखाने के लिए सिखाने के लिए नहीं करनी है। मेरा एक रूटीन है कि मैं सुबह उठ के ये 1 2 3 4 चीजें करती हूँ तो मुझे करना है, और फिर उसमें से बच्चा खुद पिकअप करेगा, ज्वाइन करती है कि हाँ मैं योगा कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो वो देख देख के करती है, और बच्चे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। एब्सोल्युटली, तो अच्छा बुरा सब वो आपसे ही सीखेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल द टाइम। आई थिंक द इजिएस्ट थिंग इज टू मेक चेंजेस इन योर ओन लाइफस्टाइल एंड इन योर ओन हैबिट्स, क्योंकि यू कांट ऑलवेज बी केयरफुल, तो जब तक आप इनहेरेंट चेंजेस नहीं लाएंगे तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो
अब होम स्कूलिंग वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, अभी ये बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहते हैं, इवन प्री स्कूल्स भी सब आजकल ऑनलाइन लेते हैं. तो व्हाट हैव यू थॉट, आर यू गोइंग टू एनरोल वियाना इन अ ऑनलाइन स्कूल और आर यू गोइंग टू होम स्कूल नो, हर? होम स्कूल. सी, होम स्कूलिंग का कंसेप्ट एकदम अलग है. मैं ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉपर स्कूलिंग नहीं कराने वाली, मुझे कराना है. बट टिल द टाइम दिस कोरोना थिंग इज गोइंग ऑन, आई हैव नॉट एनरोल्ड हर फॉर ऑनलाइन. सी, उसमें मैंने एक्चुअली ऑनलाइन गवर्नमेंट का देखा कि प्री स्कूल्स में, नर्सरी में क्या क्या होता है, क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई प्लान फॉर हर कि वो चीजें उतनी अपने बच्चे को आ रही है. नॉट नेसेसरी कि उसको ऑनलाइन बैठा, हम यहाँ बोलते हैं कि यार तुम स्क्रीन टाइम मत लो, एंड हम उन्हीं को जबरदस्ती करके बैठा रहे. विद टाइम उनकी वो आदत बन जाएगी कि यहाँ बैठो. जिन्होंने एनरोल किया, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, इट्स माय व्यू कि यार मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है. एंड जो भी मैंने उनका करिकुलम देखा तो बेसिक मोटर स्किल है, कलरिंग है, स्टिचिंग है, टाइंग है, वो सब आता है उसको. एंड वही हम रेगुलरली लोग होता है उसके इसमें. लाइफ में कर सकते हैं, मतलब तो उसके लिए तुम्हें एनरोल करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, अगर वर्किंग मदर्स है, उनसे इतनी वर्कशीट पे बैठ के करना या प्लान करना नहीं होता है, उनके लिए इट्स डेफिनेटली गुड थिंग कि उनको पूरा रिकॉर्डेड मिलता है, शीट्स मिलती है, तो हाँ, एटलीस्ट शी कैन आफ्टर अ टायरिंग डे शी कैन सिट एंड कम्प्लीट इट विथ कंप्लीटेड. विद हाँ, बेबी. हाँ, तो वैसे भी मतलब व्हाट वर्क्स फॉर यू, गो यू विद दैट. गो, डोंट थिंक एब्सोल्युटली. कि सब लोग एनरोल करने कर रहे हैं. मुझे कितने आजकल आ रहा है, मदर टॉडलर आ रहा है, उसमें भी हाँ ऑनलाइन है, हाँ तो मुझे नहीं लगता कि इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड. तो आई थिंक लाइक वी हैव डिस्कस की, एक तरह से कंपटीशन भी हो गया है. बट डोंट गेट कैरिड अवे. आपको जो सूट हो रहा है, आपके बच्चे को जो सूट हो रहा है, उस हिसाब से यू कैन टेक डिसीजन की करना है या नहीं करना है. और ये मुझे भी बहुत लगता है कि डे टू डे ही बच्चे एक एज के साथ साथ जो उनको सीखना चाहिए वो अपने आप सीख जाते हैं. इवन आप मिनिमल एफर्ट्स भी लेंगे तो उस एज में वो बच्चे वो चीज सीख जाते हैं अपने आप. और ठीक है, थोड़ा बहुत दो चार पोएम्स, दो चार लाइंस प्लस माइनस, आई डोंट थिंक इन द लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू अरे मैटर. यार, आज हम कौन से, कौन है जो ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम या राइम्स या अरे जो यार, यूज करें ना, इट्स जस्ट रेगुलर. आप उनके साथ गाने गाइए, वो गाने सीख जाएंगे. आप उनके साथ कुछ फन गेम्स, काउंटिंग करिए कि भाई चलो लेट्स काउंट द लेमन्स इन द फ्रिज एंड देन लर्न काउंटिंग. सो इट्स वेरी, कीप हाबिट इट में डू सिंपल. ना, जितने बार सब्जी आ रही है हम धोते हैं, हम गिन के बास्केट में डाल रहे हैं, तो हाँ, एवरीथिंग इज फन, एवरीथिंग इज फन. लर्निंग. हाँ, सो वही डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे आप जो कर रहे हैं उसमें जितना हो सकता है उतना इनकॉर्पोरेट करिए. दैट इज गुड इनफ फॉर दिस एज, आई थिंक. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें तो हमने देख ली. एक एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है तुमसे, व्हाट इज समथिंग दैट यू कंप्लीटली कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन? इन ऐसी कौन सी वैल्यूज है, क्या चीज है जो विच इज सो क्लोज टू यू दैट यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज थिंग्स? वैसे तो बहुत सारी है, बट आई कीप ऑन, मतलब रिगार्डिंग रियाना एंड रिगार्डिंग डेली एक्टिविटीज, हैबिट्स फॉर दैट मैटर, कि तुम किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते. अगर गुस्सा आता है तो मैं उसको नहीं बोलती हूँ कि गुस्सा नहीं करो, हम कोई बात ही नहीं करते उससे. हम लोग नीचे बैठते, मैं नीचे बैठती हूँ, नीला होकर उससे पूछती कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बट वी डोंट शाउट. सो वी टेल हर कि यू आर नॉट सपोज टू शाउट बैक ऑन एनीवन. तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि वो दादा पे या पापा पे कितना भी गुस्सा है या कुछ भी मन का अगेंस्ट हो तो चिल्लाए, नहीं, दैट्स नॉट अलाउड इन माय प्रेजेंस. देन किसी का झूठा नहीं खाना. तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी से हमें उसको मैं सिखाती हूँ कि नहीं खाना. तो अब वो मुझे बता रही, मम्मा मेरा झूठा है, मैं नहीं दूंगी इसमें से, वो दूसरा तोड़ के देगी. मैं उसको ये बोलती रहती हूँ कि ये चीजें हैं, और अपनी चीजें अपनी जगह पे रखो, वो अपने चीजें फोल्ड करके, कपड़े फोल्ड करके अपने रखो, मम्मा नहीं कराएगी. अब कैसे भी रखती है वो, फिर बाद में मैं ठीक करती हूँ, वो बात अलग है, बट एटलीस्ट उसको भी लगता है कि हाँ मैंने की. मैंने किया. हाँ, एब्सोल्युटली. तो ये छोटी तो छोटी चीजें मैं हाँ कोशिश करती हूँ. हाँ, बुक्स में, बुक्स पढ़ना मुझे हाँ पसंद नहीं है, तो उसमें मुझे ओ वो कभी कभी. हाँ, आई नो, बट बहुत डिफिकल्ट है छोटे बच्चों के साथ ये. आई मीन हाउ बट डू यू लकीली एक्सप्लेन रियाना ने टू आज तक भी एक पेज भी नहीं फाड़ा. तो आई कीप ऑन टेलिंग हर कि उनके भी इमोशंस है, एंड हाँ प्लांट्स का पत्ता नहीं तोड़ना है, उनको बहुत हाँ दर्द होता है. तो मैंने उसको चिमटी लेके दिखाया कि हाँ देखो, आपको दर्द हुआ वैसे उनको भी होता है. तो शी डेली गोज वॉटर देम एंड एक्सेसिबल. मम्मा मैं उसको प्यार कर रही हूँ. मैंने कहा ओके. तो आई थिंक हाँ, अपने वैल्यूज जो है वो अगर आपको पास ऑन करना है बच्चे को, तो उसका भी एक तरीका होता है. उन्हें समझाइए, बार बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में जरूर आप ही नहीं समझ पाते तो बच्चा तो उसे तो समय लगेगा. तो आई थिंक बहुत सारी, बहुत एंड सीखने इसमें लायक अपने बातें हैं. घर में,
हाँ, और अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो सबका इन्वॉल्वमेंट इक्वली बहुत जरूरी है, हाँ तो उसके भी अलग यस चैलेंजेस है, बट यू हैव टू सिट विद देम एंड एक्सप्लेन देम कि आप ये क्यों कर रहे हो। बहुत सी हाँ जगह मदर्स ये भी बहुत स्ट्रगल करती है कि यार मैं एक ये चाहती हूँ कि मैं बिस्किट ना दूँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ एंड मेरे पीछे से दिया जाता है, ये बहुत हाँ घरों में होता है। हाँ तो व्हाट आई डू कि मैं बना के रख देती हूँ, तो आप इसी में से दो, तो मैं सबके लिए बनाती हूँ कि वो भी ना हाँ खाए बाहर का, ये भी ना खाए, क्योंकि तुम नहीं बोल सकते कि आप मत खाओ, क्योंकि हाँ सबको अपने हिसाब से रहना है, अगर एक घर में रहना बिल्कुल है तो फिर ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है कि तुम किस तरीके से एल्डर्स को भी घर में बताओ कि तुम्हारे वैल्यूज हाँ क्या है। डेफिनेटली दे आर नॉट रॉन्ग, हम लोग हाँ बहुत आजकल अपना एटीट्यूड कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो हाँ मैं समझती हूँ कि वो डेफिनेटली 50-70% सही है, तो हमें उनके भी वैल्यूज आगे लेना है, उन्होंने हमें ऐसे ही बड़ा नहीं किया है, तो एवरीथिंग व्हाट इज ऑनलाइन और यूट्यूब वही सही है और वो उन लोगों को कुछ समझता नहीं, ऐसा नहीं है, उनके टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था, वो डिफरेंस है, हाँ ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है, तो मैं उनको भी बताती रहती, तो उनके तरफ से मुझे रियाना के इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मेरे इन लॉज से, हाँ तो हाँ वो समझते हैं, वो हर चीज पूछते हैं, हम लोगों ने पैकेट फूड लाना एकदम कम है हमारे यहाँ, हम लोग ही नहीं खाते हैं तो उसको हम देते भी नहीं है, तो मतलब एक एज के बाद बच्चा नहीं सुनने वाला है, वो बाहर जाएगा हाँ खाएगा हाँ आइसक्रीम खाएगा, मैदा जाने ही वाला है, बट जब तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों ना हम उसको प्रॉपर खाना दे। बिल्कुल तो हाँ, उसमें मुझे मेहनत बहुत है कि हर चीज घर में बना, बट ठीक है। उसका बेनिफिट भी, और मुझे लगता है कि हाँ एक एज के बाद तो जो बाहर जाके सीखेंगे वो सीखेंगे, पर हैबिट्स स्टे, आई थिंक इनहेरेंट जो तुम्हारे बचपन से जो हैबिट्स रहते हैं कहीं ना कहीं आगे चलकर वो तुम्हारे साथ रिजोनेट होंगे, और तो आई थिंक बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है हमारे सबके लिए आई एम श्योर। और इसी के साथ आई थिंक देर इज वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक कि एवरी फ्राइडे वी वुड लाइक द क्राफ्टी मॉम टू ज्वाइन अस एंड शेयर सम एक्टिविटीज फॉर अवर टॉडलर मॉम्स एंड इवन इन्फेंट मॉम्स। तो आप क्या कर रहे हैं वियाना के साथ इस वीक, या क्या कर सकते हैं हमारी मदर्स, तो वी वुड लाइक यू टू शेयर समथिंग फॉर अवर मदर्स एंड वी विल सी दैट वी विल डेफिनेटली टेक इट अहेड एवरी वीक, सो एटलीस्ट उनका जो एवरीडे जो हमारा डायलेमा रहता है कि आज क्या करें, तो शायद वो कुछ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा। और आई एम श्योर जिन्होंने भी ये मुझे आज बहुत लाइव खुशी लगी, सेशन किसी वे में तो मैं हेल्पफुल होंगी किसी के लिए, तो आई बी मोर देख देन हैप्पी। डेफिनेटली इनफैक्ट जिन्होंने भी ये लाइव सेशन देखा होगा वो लोग अग्री करेंगे कि जो तुमने बताया है उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने लायक है अपनी डे टू डे लाइफ में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे नंदिनी, और आई थैंक यू थिंक जितना तुमने रितिक। बताया उसमें से मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स नाउ दैट आई हैव टू स्टार्ट डूइंग एंड मेकिंग चेंज इन माय ओन लाइफस्टाइल एंड कंसीक्वेंटली ऑफ द फैमिली, नो नो, तो यू आर थैंक सो यू। ग्रेट मदर। आई थिंक वी ऑल आर डूइंग अवर बेस्ट, पर जैसा कि हमने कहा कि इट्स इजी टू वही गेट है, हर कैरिड किसी अवे, से सीखने लायक है। हाँ हाँ हर किसी से सीखने लायक है और हर किसी की लाइफ और चैलेंजेस अलग रहते हैं, तो डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट ओवरवेल्म इंटरनेट पे, इतना सब जो है सबकी देखा देखी सबकी बराबरी करना जरूरी नहीं है, अपने ओन वैल्यूज क्या है वो डिसाइड करके अपने तरीके से आप उसे अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं, ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट हाँ लेसन रहा ये है मेरा, आज का, हाँ करेक्ट। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे नंदिनी, एंड थैंक वी विल यू, नाउ बी थैंक इन यू। टच, सो एवरी या फ्राइडे नेक्स्ट वी डेफिनेटली, विल इट वाज फन स्टेशन। हैव सेम हियर, थैंक यू सो मच, ओके ओके सो बाय बाय, बाय बाय थैंक्स गाइस फॉर बाय, ज्वाइनिंग। या बाय। यस थैंक यू।